आपका सवाल, तीन चीजें आपने पूछी. या आपका लास्ट पार्ट जो था इज काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड टू द फर्स्ट टू, बट आई विल गिव यू एन आंसर फॉर दैट एज वेल. प्लीज. द प्रोमोज ऑफ 83 आर लुकिंग वेरी वेरी नाइस एंड आई वुड माई सेल्फ लव टू गो एंड सी द फिल्म. इट्स अबाउट व्हेन इंडिया वन द वर्ल्ड कप एंड इट्स दिस जर्नी दैट एवरीबडी वुड वॉन्ट टू सी. बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत अच्छी लग रही है. उसके एक हफ्ते बाद एक और फिल्म आ रही है जर्सी, जो हमने बनाई है, जो बहुत इमोशनल फिल्म है और उसका बैकड्रॉप भी क्रिकेट है. तो लोग दोनों फिल्में जाके देखें, दोनों फिल्में एंजॉय करें. क्रिसमस पे भी लोग बाहर जाते हैं, न्यू ईयर पे भी बाहर जाते हैं, तो पीपल आर गोना स्टेप आउट, पीपल आर गोना वॉच मूवीज. अगर फिल्म अच्छी होती है तो वो अपनी जगह ढूंढ लेती है, यू नो. तो अब ऐसा ही टाइम है क्योंकि 2 साल से यू नो थिएटर्स काफी देर के लिए बंद थे, तो बहुत सारी फिल्में रिलीज होने वाली हैं. कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी फिल्म रिलीज नहीं की इस डर से कि बड़ी सारी फिल्में साथ में आ रही हैं. बट आई थिंक अगर आप अपने प्रोडक्ट में बिलीव करते हैं और अगर आप पैशनेट हैं और अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन है, तो यू विल बिलीव कि अगर एक हफ्ता ऑडियंस के पास है डिसाइड करने का कि उनको मेरी फिल्म कैसे लगती है, तो उसके बाद मेरे पहले कोई फिल्म आए, मेरे बाद कोई फिल्म आए, उसकी उसकी अपनी किस्मत है, हमारी फिल्म की अपनी किस्मत है. सो वी विश 83 ऑल द बेस्ट एंड वी रियली विश दैट इट डज वेल. बट 1 वीक लेटर वी आर रिलीजिंग एंड वी होप वी डू अमेजिंगली वेल टू. ऑलराइट.